डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये हमें जब पता चलती है कि या तो इससे रिलेटेड कोई सिम्टम आए, जैसे कि पेन, यूरिन में ब्लड या फिर यूरिन में इन्फेक्शन, और या फिर हम कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन अगर कराते हैं और उसमें हमें जो है स्टोन का पता चलता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। स्टोन कई तरीके के होते हैं। जो सबसे कॉमन स्टोन होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम रिलेटेड स्टोन होते हैं, लेकिन कैल्शियम अकेले रेस्पॉन्सिबल नहीं है स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। वो जब तक किसी और मिनरल या एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए। इसमें जो सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम बनाता है वो बनाता है कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं वो सबसे कॉमन स्टोन होते हैं। कैल्शियम जो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है वो फॉस्फोरस के साथ बना सकता है, जिसे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं वो इसलिए कॉमन होते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए ऑक्सलेट का फॉर्मेशन या तो ज्यादा हो रहा हो, जैसे लीवर की कोई प्रॉब्लम है जिसमें ऑक्सलेट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो, या फिर हाई ऑक्सलेट डाइट जा रही हो, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होगा और स्टोन बन जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं वो यूजली कुछ टाइप की किडनी डिसीजेज होती हैं, जैसे कि डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, उसमें जो है कैल्शियम फास्फोरेट के स्टोन्स कॉमनली पाए जाते हैं। दूसरे स्टोन हैं यूरिक एसिड के बने हुए स्टोन। यूरिक एसिड जो है अगर मान लीजिए किसी वजह से ज्यादा बन रहा है और उसका फॉर्मेशन ज्यादा होकर किडनी से वो ज्यादा निकल रहा है, तो फिर यूरिक एसिड के स्टोन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरे तरह के स्टोन हैं वो हैं स्टेरॉइड स्टोन। स्टेरॉइड स्टोन जो होते हैं वो बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से इन्फेक्शन है और क्रॉनिक इन्फेक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो स्टेरॉइड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। स्टेरॉइड जो स्टोन होते हैं वो बेसिकली साइज में काफी बड़े होते हैं, यूजली ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि वो जैसे पेल्विस में अगर मान लीजिए स्टेरॉइड स्टोन का फॉर्मेशन है तो वहां पर वो पूरे पेल्विस को कवर कर लेते हैं और यूरिन को नहीं आने देते, इसलिए इन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन कहा जाता है। उसके अलावा सिस्टीन स्टोन जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टीन यूरिया की वजह से होते हैं। सिस्टीन यूरिया सिस्टीन के फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि सिस्टीन का कोई डिसऑर्डर है, कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर है, तो सिस्टीन स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही रेयर स्टोन होते हैं। जो सबसे कॉमन स्टोन होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो ये हैं स्टोन के टाइप। नंबर वन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या कैल्शियम फास्फेट स्टोन, नंबर टू यूरिक एसिड स्टोन, नंबर थ्री स्टेरॉइड स्टोन एंड नंबर फोर सिस्टीन स्टोन। अब इसके बाद में बेसिकली रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो कि स्टोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टोन यूजली जो होते हैं वो उसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि अगर किसी पर्सन को स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसके बच्चों में स्टोन के बनने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। सिबलिंग्स में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एक तो ये रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। जो लोग कम पानी पीते हैं, कम पानी पीने की टेंडेंसी है या किसी और वजह से डिहाइड्रेशन है, तो फिर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा डाइट, कुछ डाइट है जो कि स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, हाई सोडियम डाइट और हाई शुगर डाइट। हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो यूजली यूरिक एसिड के स्टोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। समटाइम जो हाई सॉल्ट डाइट है वो हमें जो है वहां पर क्रिस्टलाइजेशन के लिए हेल्प करती है स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जो और है वो है शुगर। शुगर अगर ज्यादा कोई मात्रा में लेता है तो उसको भी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद है डाइजेस्टिव डिसीजेस। डाइजेस्टिव डिसीजेस में आता है जैसे कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, क्रॉनिक डायरिया अगर किसी को है, तो ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा मेडिसिंस, कुछ मेडिसिंस हैं जैसे कि माइग्रेन के लिए मेडिसिन है या एंटी डिप्रेसेंट हैं, अगर वो बहुत दिनों से खा रहे हैं तो भी स्टोन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि कोई बहुत ज्यादा ओबीज है, बहुत ज्यादा वेट है, तो वो भी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है ओबेसिटी।
ये रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि सबसे पहले फैमिली, फैमिली में अगर स्टोन की हिस्ट्री है, अब वो फैमिली में स्टोन की हिस्ट्री क्यों है और किस वजह से स्टोन बन रहे हैं वो एक अलग डिस्कशन है, एक लॉन्ग टॉपिक है, उसमें बहुत सारे जो चैनलोपैथीज और रिसेप्टर्स प्रॉब्लम्स और ये एक लंबा डिस्कशन है, बट फैमिली अगर हिस्ट्री है तो उसमें स्टोन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। उसके बाद में हुआ डिहाइड्रेशन, उसके बाद में हुआ डाइट, उसके बाद में हुआ कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की वजह से या फिर क्रोनिक डायरिया की वजह से, ओबेसिटी और मेडिसिन, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। टाइप ऑफ स्टोन हमने डिस्कस किया, रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किया, अब स्टोन जो है उसकी साइट क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, अगर ये किडनी है तो ये किडनी में इसका जो आउटर पार्ट है वो पैरेन्काइमा कहलाता है और यूजली फिर यहां पर एक पार्ट शुरू होता है जिसे कैलिसिस बोलते हैं, फिर पेल्विस बोलते हैं, फिर यूरेटर शुरू हो जाता है, फिर यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर पैरेन्काइमा में स्टोन है तो यूजली पैरेन्काइमा इनसेंसिटिव एरिया होता है फॉर द पेन। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को स्टोन बहुत बहुत सालों तक पड़े रहते हैं, बहुत बहुत महीने तक पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी उनको पेन नहीं होता, यानी कि वो किडनी के इस एरिया में है जहां पर वो पेन इनसेंसिटिव एरिया है। लेकिन वो जैसे ही पेन सेंसिटिव एरिया में आते हैं जैसे कि पेल्विस यूरेटर, तो फिर पेन शुरू हो जाता है और वो सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। और उसके अलावा जब वो नीचे आते हैं तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं तो उनका निकालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर स्टोन है और उसको अगर नहीं निकाला जाए और वो ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है, यानी कि जो किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो नीचे किडनी स्टोन का जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो नीचे यूरिन को आना चाहिए बट वो नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ द स्टोन, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है, तो एक बैक प्रेशर जाएगा ऊपर और वो बैक प्रेशर किडनी को खराब करेगा। तो इसलिए किडनी के इस स्टोन के रिमूवल होना बहुत जरूरी है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है? बेसिकली अगर क्लियर कट जानना है तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन यूजली अल्ट्रासाउंड में एक फाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस। बेसिकली क्या होता है कि जब यहां पर स्टोन होता है तो ये यूरेटर जो है उस स्टोन के ऊपर जो है वाला पार्ट है, जैसे सपोज यहां स्टोन है और इसके ऊपर वाला पार्ट है तो ये चौड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस। ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है। अब अगर हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस है तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि स्टोन जो है वो मोस्ट लाइकली ऑब्स्ट्रक्टिव है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शायद नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द सम अदर रीजंस जैसे कि पेन है, जैसे कि कोई और रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, तो हमें उस स्टोन को रिमूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो नीचे यूरेटर में है और वो हमें कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि स्टोन का साइज क्या है। स्टोन यूजली देखा गया है कि 6 mm तक के स्टोन जो है वो उनका स्पॉन्टेनियस रिमूवल हो जाता है, लेकिन कभी कभी 6 mm तक का भी रिमूवल नहीं होता। छोटे स्टोन्स यूजली उनका स्पॉन्टेनियस रिमूवल हो जाता है या मेडिकल मैनेजमेंट से रिमूवल हो जाता है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही उनका जो है रिमूवल हो जाता है, लेकिन समटाइम जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होने के बाद हम देखते हैं कि स्टोन अगर रिमूव नहीं होता है तो हमें उसे रिमूव करना होता है, हमें यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी होती है और हमें उस स्टोन का रिमूव कराना बहुत जरूरी है। अगर स्टोन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव है और वो काफी दिनों तक पड़ा रह जाएगा यूरेटर में या किडनी के रास्ते में आगे, तो फिर वो किडनी फेल्योर करा सकता है। इसलिए हमें जो है स्टोन का इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना जरूरी हो जाता है। थैंक यू।